गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संगीता जी की किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया रेसिपी बनाएंगे। हे एवरीवन, आज हम फिर एक नया रेसिपी लेके आए हैं आप लोगों के सामने। तो प्लीज़ इस वीडियो पर बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो देखिए, ये घर का बना हुआ पनीर है, तो इसको हम कट कर लेंगे और शाही पनीर हम बनाएंगे। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके हमें बताइएगा। कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें बताइएगा, ताकि हम जान सकें आप कहाँ से देख रहे हैं। देखिए, इसको हम पीस पीस काट लेंगे, छोटा छोटा इस तरह से। तो देखिए, पनीर में डालने के लिए हम काजू, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरा मिर्च का पेस्ट हम बना लिए हैं। और उसके बाद हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिए हैं। इसमें हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच घी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप बटर में भी बना सकते हैं। तो घी गर्म हो चुकी है, इसमें हम डाल देंगे दालचीनी, छोटा इलायची और 2 तेज़पत्ता। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो पेस्ट बनाए हैं, उसको हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें जो मसाला है उसको भी हम डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होगा तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की रेसिपी आप बना के देखिए, बहुत पसंद आएगी। तो इसको अच्छी तरह से हम चला लेंगे। ये देखिए, इसका मसाला कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अच्छी तरह से भून के उसके बाद हम इसमें जो पनीर है वो डालेंगे। तो इसमें हम डाल दिए हैं 2 हरा मिर्च। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, मसाला हल्का हल्का भून चुका है, इसको थोड़ा सा और फ्राई करके भून लेंगे। देखिए, मसाला का तेल कितनी अच्छी तरह से अलग हो चुकी है, देखिए आप देख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम फिर से चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मसाला जो है अच्छी तरह से भून चुकी है, इसमें हम डाल देंगे पनीर। तो पनीर को हम फ्राई कर लिए थे और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें पानी आप नहीं डालिएगा। ये जो शाही पनीर होता है वो सूखा सूखा ही अच्छा लगता है। हल्का सा आप ग्रेवी अगर पसंद करना चाहते हैं तो उसमें हल्का सा पानी आप डाल सकते हैं। इसमें हल्का पानी हम भी डालेंगे। तो देखिए, इसका ग्रेवी जो है कितना गाढ़ा है। तो इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें गर्म मसाला। तो देखिए, इस पर थोड़ा सा हम कस्तूरी मेथी भी डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा कस्तूरी मेथी डालने से। तो देखिए, सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, इसमें ग्रेवी बहुत कम डाले हैं हम, कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको आप नान के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। तो चलिए, इसको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये सब्ज़ी बनके कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। तो सब्ज़ी देखने से आपको लग रहा होगा कि कब इसको हम खा लें, और सब्ज़ी बनके बहुत ही अच्छी तैयार हो गई है। तो देखिए, इसको हम नीचे उतार लिए हैं, इसको हम सर्व करके दिखलाते हैं आपको। तो देखिए, हम सब्ज़ी को सर्व कर लिए, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो इसी तरह से आप लोगों के सामने नए रेसिपी लेके आते रहेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी रेसिपी पसंद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, बाय बाय।